पतंग ऊपर दिख रही है, काटन रही है बरसीन। मैं भी देखती हूँ काट के कैसे कटती है, देख के हम दाती चलाने आवा के भूल गई चलाई, देखते हैं बरसीन काट के कैसे कटती है। क्या कर रहे हैं, बरसीन काटता है। ये देख लो छोटी छोटी गुड़िया बरसीन काटन आ रही है, तो मैं भी देखूं इनकी किस तरह काटा है, कितनी काट दी। ये देख लो भाई, या देख लो ये देख लो काटन लग रही है ना, ले देख मेरा बना देख लो गठड़ी बंधन लग रही है। वाह जी वाह छोरी, दो मिनट में काट बगाया तुमने तो है, पड़ी है क्यों हो गया इसका है, है? बुखार, बे बुखार का मौसम हो रहा है। आंटी क्या कहना चाहोगी, क्या कहना चाहूंगी, मेरी बेटी सेवा करो मेरी। अच्छा और गाइस फूल भी लग रहे हैं वहां पे, दिखते होंगे देख जूम करके दिखाती हूँ, दो लग रहे फूल यहाँ पे, मजा किन्नू गए नहीं है अपने गेर है किन्नू देख लो, मूली भी दिखवाऊंगी, मूली पाडल ना रहे उड़ा ना, धनिया भी लगा यहाँ पे, लगा दी है मेरी जोत बत्ती, यहाँ पे जोत लगा दी यहाँ पे, ये बत्ती अगर गूगल की है, ये बनी बनाई आती है गूगल की, ठीक है ये लगा दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे बना रही हूँ हरा साग और पालक ही काटूंगी अभी, ठीक है। ये डठल मैंने निकाल दी क्योंकि ज़्यादा पकी हुई थी ना, ये साइड में कर दी मैंने, ठीक है। तो ये हरा साग देख लो आप कैसा लग रहा है, अभी दोगे अभी इसको बांधने रखूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं पालक को ही थोड़ी सी और बचरे बची हुई है ये काट लूँ, ठीक है, छाट ले छाटनी पड़ेगी खराब खराब सी साइड में, फिर लगा दिए मैंने बड़े सीन और सुखा दिया, आते तो आते रह गए हैं, देखते हैं कितने के रहेगी, थोड़े से हो रहेंगे दो फेरी और आएंगी, उसके बाद कपड़े धोएंगे। तो यहाँ पे उबल गया है साग, साग उबाल दिया मैंने, सीटियाँ मरवा दी इसमें, अभी बन गई है गर्मा गर्म चाय, चाय बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है, चाय बहुत ज़रूरी है, चाय बना ली हमने। आज कैसे उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया, जय श्री श्याम, और देख लो चाय बना रही हूँ और रोटियाँ बना रही हूँ सुबह सुबह, ठीक है, सुबह क्या 11 बज गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे बाबा जी बैठे हैं, जय श्री श्याम, ठीक है, और सुबह सुबह करेंगे काम, आज संडे है, संडे का क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है सफाई सफाई का, इसलिए काम करना ज़रूरी, संडे ने ही टाइम लगता सफाई का ज़्यादा, तो सफाई करने कपड़े तो मैंने रात को धो दिए थे, कपड़े तो मैंने इतने सारे धोए रात को, देखो इतने सारे मैंने कपड़े, तो ये जीमी देख लो हमारी, लूसी देख लो, ये आज मैंने बांध दी सारी की सारी, देख लो भाई इतने दंगे करती ना ये, कोई अंतर नहीं, ये देख लो जीमी लूसी की बेटी जीमी, हाँ देख लो लूसी हमारी मम्मी बनने वाली है, ये देख लो हेल्दी हो रही है जीमी, लूसी कभी भी हो सकते हैं इसको बच्चे, नोनो को बच्चे हो सकते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे है ना, देख लो एक ही मम्मी बनने वाली है, देखो मम्मी की बेटी मम्मी बनने वाली है, हैं ये इसके महीने के 25 दिन बाद ये बनेगी, इस लूसी के बाद, लूसी पहले ये 25 दिन बाद, फिर सैंडी 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 को भी आज बुलाते हैं, देखते हैं क्या है उसका हाल चाल। तो यहाँ पे मैंने पौधे कल पानी नहीं दिया इनमें मैंने, क्योंकि नमी हो रही थी पौधों में, इसलिए पानी नहीं दिया मैंने इनमें, सूखे रखे थोड़ी थोड़ी माटी सूखी घेर दी इसमें, ये हमारा मनी प्लांट, और ये हैं देख लो पौधे, आधे तो खाली कर दिए इसके पापा ने, सूख गए थे जड़ें सूख गई थी पौधों की, जिस तरह ये सूख गया ना बीच वाला, इस तरह में सूख गए थे, अब नया पौधा ये लेके आएंगे लगाएंगे, ये देखिए सूख गया ना, ये भी सूख गया है, ये तो जड़ आ जाएगी तो चल मोटा है,
वहाँ पे भी नए पत्ते आ चुके हैं दूसरी बेल के। इस वाली बेल के तो नहीं आई, वो दूसरी बेल के आए उस पर लिकुणी वाली के नए पत्ते। और यहाँ पे कपड़े दो रखे देख लो कितने सारे। चरमटी चरमटी क्या कर रहा है क्या कर रही है? इसने कहा कितना है पीट लो कितना है इसने दमका लो, पर इसकी आदत है ना इतनी गंदी है ना बहुत गंदी। किसने लेनी है तो बताना कमेंट में। जिमी लेनी है तो जिमी दे रही मैं तेरे को कमेंट में बता रही हूँ, मैं कमेंट में बताना भाई जिस जिसको लेनी है। लोग आज बना लेते रोटी आज, क्योंकि आँखें में मेरी सूजी सूजी लग रही है। बीपी हो रहा है लो, बीपी की पता नहीं क्या प्रॉब्लम रहने लग गई, थोड़ी सी टेंशन होती है ना बीपी जीरो हो जाता है बिल्कुल ही, नोल है ख़त्म होने को। नींद नींद इतनी नींद आती है कोई अंत नहीं, जितनी नींद में ना आती है ना इतनी तो भगवान की सीख न आती, इतनी नींद आती है। नोता काम करते पड़ गए आज नो लगा लो। हफ्ते 10 दिन में गई थी दुकान पे, आज संडे है, संडे के कारण आज मैं जा नहीं रही क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब पिज़ा लो रहा दुकान पर आते फिर वही चक्कर आऊँगी फिर ताकि। तो गाय जम पहुँच चुके हैं दुकान पे, दुकान पे आकर मैंने झाड़ू निकाल दी है, निकाल के अब सारी सफाई सफ़ाई कर दी मैंने। आज मैं सोच रही हूँ दुकान संगवाने की, सारी हालत हो रही ख़राब दुकान की क्योंकि सारी देखो किसा बिखरी पड़ी है, आज सारी ये संगवाऊँगी। आज छुट्टी तो है संडे, यहाँ सारा नीचे करके सारे सफाइयाँ करेंगे, ये काउंटर भी सारा बिखरा पड़ा है लैस लूस सारी ये सारी सेट करूँगी आज। ठीक है आज सिलाई तो करूँगी नहीं क्योंकि आज संडे है, और ये सारी सफाइयाँ कर देते हैं आज। ठीक है तो सफाई से पहले मैं एक बात का और कहना चाहूँगी, मैं आपको जो सा ब्लॉग मैंने डाले थे वे मैंने डिलीट कर दिए हैं क्योंकि आप समझते हो भाई क्यों करे मैंने डिलीट क्या तक करे हैं। ठीक है तो इस मारे मैंने वो सारे ब्लॉग तीनों डिलीट कर दिए, तो मैं नया ब्लॉग लेके आ रही हूँ आपके लिए। ठीक है जो से मेरी ज़िंदगी की कहानी आधी है आधी, और अभी तो शुरुआत ही हुई थी, उसके बाद मैं सुनाऊंगी जो वरदान के साथ हुआ था उसको। नो लगा लो करंट लगा था उसकी, ये वाली मोड़ी है ना आधी ख़त्म है ये वाली, तो पूरी की आधी ये इतनी इतनी पूरी ख़त्म है उसकी करंट में। उसके बाद वो लगा लो वी की वी होता चला गया क्योंकि वो मोटाई से नहीं हो लिए हो रहा क्योंकि उसका करंट बहुत ज़्यादा खतरनाक लगा था, खून चूस के भगा दिया था बिजली ने। ठीक है तो देख लो छोटा सा बच्चा था वो 1.5 साल का, जिसमें वो मैं नहाने लग रही थी बाथरूम में और मुस्कान टीवी देखने लग रही थी, तो वरदान जिस तरह मेरी ये सिलाई वाली मशीन है ना इस तरह ये निकाल के ना ये वाली तार निकाल के इसमें उंगली दे दी थी वरदान ने, छोटा सा तो था ही, और उसमें ये स्विच लगा हुआ जिस तरह स्विच लग रहा था मेरा मशीन में इस तरह सिलाई कराया करती मैं जब भी। ठीक है तो उन्होंने क्या करा बिजली ने सारा ही खून उसका चूस लिया, चूस के सारा खून उसका चूस लिया था बिजली ने, चूस चास के वो खून चूस के उसको भगा दिया था बिजली ने वरदान को, तो नीला हो गया था बिल्कुल ही नीला, तो सारे भागे भागे गए। और मैं बोली मुस्कान ने, मैं मुस्कान के पढ़या है, बोली मम्मी वरदान, मैं बोली वरदान पढ़या है, बोली हाँ, मैं बोली क्यों हो गया वरदान का, बोली ऐसे ऐसे वो गिर गया, और तो मुस्कान ने भी हाथ लगाया तो मुस्कान भी उसको दूर भगा के मारी बिजली ने क्योंकि उसमें करंट था वरदान में हाथ में बिजली थी, तो यहाँ से दो सुराख उसके यहाँ से निकल रहे हैं वरदान के, वो सुराख करंट निकल गया ना तो वरदान बच गया था, नहीं तो वरदान की कोई हालत नहीं थी इतने बचने की। ठीक है तो हम फटाफट से मैं जितने जैसे भी थी बाथरूम में से वैसे आई और मैंने उल्टे सुलटे जितने भी कपड़े डाले। ठीक है तो वो दिन याद करती हूँ ना रोंग रोंग खड़ा हो जाता है मेरा उस बात पे, क्योंकि पहले मेरा गोलू वैसा था अपंग, तो दूसरा बच्चा मेरा नू लगा लो 10 साल बाद हुआ था, नू 10 साल बाद वरदान गोलू के बाद 9 साल बाद हुआ था, तो नू लगा लो किस्मत ही उसने बचा के लाई, 3 दिन में उस बंदे ने उसाया था बच्चे ने, तो बिजली के झटके सब कुछ उसको दिया गया था क्योंकि बिजली के झटके दिए थे ना वो ऊपर छोड़ छोड़ के पट रहा था देखा नहीं गया था। जब भी मैं अस्पताल में थे देखते रहे बार से, इतना दिमाग ख़राब होया कि मैंने
आईसीयू में से बाहर से दिखाते हैं भाई, बिजली के झटके दे रहे हैं उसको, क्या कर रहे हैं, बाहर से शीशे लगे हुए हैं उसमें दिखाया था। तो इतना बुरा लगा ना, बस इतना हो गया था, ये छोरा भी गया था। मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, डॉक्टर बोले भाई इसमें बचने की कोई उम्मीद नहीं है, ले जाओ। तो मैंने तो भी भगवान का नाम लेके महाना अंकल कहा करती हूँ उस डॉक्टर ने, अंकल जी ना अंकल जी बचा लो, अंकल जी बचा लो, रोने लगी थी उसके आके। जब जाके मर्दान को बिजली के झटके दिए गए और उसका जो सांस था वो ऊपर लाया गया, तो तीन दिन में उसको होश आया था। उसने मर्दान को जब नीला हुआ था, बिल्कुल नीला नू लगा लो, जिस बंद डेढ़ साल का बच्चा है जो उसका खून चूस के भगा दे बिजली, उसमें कह रहा जाता है भाई। तो ये वाली उंगली मैं दिखाऊंगी वरदान की, सारी ये वाली सारी ख़त्म हो रही है, क्योंकि उसने उंगली उसमें डाल दी थी ना, सारी आधी उंगली ख़त्म हो रही है वरदान की है। तो इस मारे वो ना तो उभर रहा है, खून चूस ख़त्म हो गया था उसका, और ना ये मोटा हो रहा है, अब और भी सूखता ही जान लग रहा है, जितना लंबा हो रहा है ना उतना ही पतला होता जान लग रहा है वो, ठीक है। तो आज इतना ही वरदान की स्टोरी बताई मैंने, अगले ब्लॉग में और स्टोरियाँ बताऊँगी जो मेरे साथ बीतती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपके मैसेज पढ़ के बहुत अच्छा लगता है भाई, हाँ आप इतना सपोर्ट कर ला रहे हो भाई, पहले समझ रहे थे गलत है भाई, इतना बोलती है, बोलती क्यों नहीं गाई जिन्हों बताओ, गुस्सा नहीं आता क्या, जब अपने ही साथ छोड़ दे हैं तो गुस्सा नहीं आता क्या, आप ही बताओ। जब बंदा एक बंदा तो करता रहा, दूसरा बंदा कुछ करे ही ना, तो नू बताओ गुस्सा को नहीं आवेगा, नू लगाओ दुख तो हमारा भी हुआ है कि मैं देखा हाँ तो सुना हाँ, तो दुख तो आवे है भाई, हम भी जावा मिल के आवा, फिर जान जोगे हम छोड़े को नहीं, जान जोगे क्यों नहीं छोड़े, क्योंकि पहले उन्होंने इतना गिता गा रखा हमारा, इतना गिता गा रखा कि कोई अंत नहीं, कोई मतबल ही नहीं बनता जान का, तो ठीक है भाई। कहो है सरोज का पता लिया, सरोज का पता लिया, वो आप भी जाओ, किस मुंह से जाऊं मैं बताओ, किस मुंह से जाऊं, लो तुम्हारा भी फूका है भाई, हाँ पड़ी है अस्पताल में सही है, कोई करने वाला नहीं, उसकी भाभी आई हुई है, तो खून तो फूका ही है, एक नू लगा लो, हमने तो बेटी समझ रखी मेरी, तो मेरे तो छोटी है तो बेटी समझ रखी हमने, तो बीमारी तो देखो देखी नहीं जाती, गुस्सा अपनी जगह है, बीमारी अपनी जगह है, पर मैंने फ़ोन करके भी नहीं पूछा, क्योंकि मैंने इतना गिल्टी फील हो रहा है ना, क्यों वो तो बीमार पड़ी है, उन्होंने मेरे बारे में इतना गंदा बोला था, इतना गंदा बोला था, फिर भी मैं ना कोई बात नहीं, कालू जितना गंदा बोल कर गया कोई बात नहीं, तो उसने तो मेरी इज्जत उछाड़ दी ना गई जी, नू बताओ मैं चली भी जाऊँ तो आप फिर कहोगे बिन पंदी का लुट्टा है, फिर चली गई, इतनी होने के बाद फिर चली गई, किस मुँह से चली जाऊँ, किस मुँह से, जाने का तुम्हारा भी जी करा है भाई हम जावा, पता लेके आऊँ भाई, वो अस्पताल में सही है छुट्टी लेके, बुआ भी मिला का ही फोन आया था, बुआ बोली भाई सुनीता मैं जाए आई, मैं बुआ ठीक करा तू पहुँच गई टाइम पे, वो भी बहुत है भाई, मारे भर के तो जा नहीं सकते, और जाओगे तो किस मुँह से जाओगे, ठीक है। वहाँ बुआ तू चली गई, वहाँ बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, तू चली गई है, साथ दिया था ना उसका ओड मेडिकल में भी, तो बुआ ने बोली भाई मन तो आधी रात ना कोई बुला लूँ ओड़े पाऊँगी मैं, ठीक है। तो मैं बुआ इतना ही बहुत हुआ है, जितना कोई कह देवे ना इतना ही बहुत हुआ, हर तू तो हर दम ही पाव है, हर खड़ी ही पाव है मारती, ठीक है। तो ये एक मेरी बुआ है, और एक वो दूसरी बुआ थी जो सी मेरे पापा की बहन भी नहीं हुई है, सिमी बुआ, ये दो बुआ हैं, जिस तरह मरसा की बुआ तो थी भी नहीं, थी तो वो बचपन में मेरे पापा से पहले ही गुजर चुके थे, वो नू लगा लो मेरे पापा से बहुत पहले गुजर गई थी, बल मेरी बुआ के लिए बच्चे ना वो जो से छोटे वाला ढाई महीने का था जब वो गुजरी थी, पहले ताऊ गुजरे, फिर बुआ गुजरी, फिर दादा गुजरे, फिर मेरे फूफा जी गुजरे, नूला वालू सारा ही कुंबा ख़त्म हो गया था, चार जने तो थे हमारे घर में, एक में दादी थी, तो दादी ने दुख सारे ही अपने कंधे पर लेकर चले गए, मम्मी पापा बेटी पति सब कुछ अपने कंधों पर लेकर चले गए, कहती क्या कर दी दादी भी, बोली सारे दुख देखने में मैं ही बैठी हूँ, तो वो ही है ना, किसी ना कोई रोक नहीं सकता किसी का गलत की हुआ है के नहीं हुंदा। तो मैं कहा इतना ही कहना चाहूँगी, हम किस मुँह से चले जाएंगे ये आप कमेंट करके बताना, मैंने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आप बताना मेरे को ज़रूर, तो मैं वही करूँगी जो आप कहोगे भाई, हम जाओ दीदी आप, मैं तो जाऊँगी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप नु कहोगे भाई नहीं जाना तो अब मैं जा भी नहीं सकती।
क्योंकि मेरे गले जो सी 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 बातें हो चुकी, क्योंकि मेरी बेटी वहाँ पे पहुँच गई थी बिना बताए, जिस नवना ने मेरे गले इतना करा है, उस बेटी ने ही फ़ोन करके पूछा मम्मी मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। ठीक है, तो मैं किसी ने के कह दूँगी, किसी ने कुछ भी नहीं कह सकती भाई मैंने के करना चाहिए के नहीं, आप बताना। ठीक है, मेरा तो दिमाग रहा ही नहीं मैं के करूँ के ना करूँ। तो कहो तो इसका पापा भी था, बोला चली जा तू मरना नहीं जानती। ठीक है, मैं बतेरे जा कर मैं छिक ली भाई, छिक ली वहाँ मैं जा कर सब कागा का छिक ली। तो मैं तो जानती नहीं, बाकी आप कहोगे तो मैं बता देना के कहना चाहूँगा।